हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ वर्टिकल रोलर मिल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हाउ टू स्विंग आउट रोलर एंड टायर असेंबली फ्रॉम द मिल बॉडी इन अ वर्टिकल रोलर मिल। मीन्स कि वर्टिकल रोलर मिल में रोलर और टायर असेंबली को मिल बॉडी से कैसे बाहर लेते हैं। पर्टिकुलरली लोशे मिल में हमारा एक स्विंगिंग डिवाइस जो कि एक्सिलरी का पार्ट होता है, उसके हेल्प से हम लोग रोलर और टायर असेंबली को मिल बॉडी से बाहर निकालते हैं फॉर मेंटेनेंस पर्पस। जैसे कि हमारा टायर का रिप्लेसमेंट करना हुआ तो उस केस में हम रोलर और टायर असेंबली को बाहर निकालेंगे। यदि हमें गैप चेक करना होता है डैमरिंग और टायर के बीच में, उस केस में भी हम स्विंग इन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विंगिंग डिवाइस। और स्विंगिंग डिवाइस क्या होता है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारा रोलर टायर असेंबली विद द हेल्प ऑफ स्विंगिंग डिवाइस हमारा मिल बॉडी से बाहर जा रहा है। रोलर और टायर असेंबली हमारा रॉकर आर्म से कनेक्टेड रहता है, और जो हमारा रॉकर आर्म है वो पेडस्टल में बियरिंग के हेल्प से बियरिंग सीटिंग एरिया में वो बैठता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा रोलर और टायर स्विंग आउट के पोजीशन में आ चुका है। थोड़ा सा और ये स्ट्रेट आएगा, 90 डिग्री रहेगा इसका, और ये फिर हमारा स्विंग आउट हो चुका है। लेकिन अब ये स्विंग आउट करते कैसे हैं इसके बारे में अब हम नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये हमारा पंप ट्रॉली होता है, हाइड्रोलिक यूनिट होता है हमारा स्विंगिंग डिवाइस का। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होगे तो ये हमारा गेज है जो कि ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल लेवल कितना इस ट्रॉली में, पंप ट्रॉली में है वो दिखाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप होता है जो कि प्रेशर के साथ ऑयल को सिलेंडर में पुश करता है। ये तीन प्रेशर गेज आप देख पा रहे होंगे, पहला तो पंप का प्रेशर बताता है, दूसरा हमारा जब सिलेंडर इन पोजीशन में है तब का प्रेशर बताएगा, और दूसरा जब सिलेंडर आउट पोजीशन में है उस पोजीशन में कितना प्रेशर है वो बताएगा। ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया ये सारे, और ये निप्पल और कपलिंग, इसके थ्रू हमारा होस कनेक्टेड होते हैं। ये जो आप वॉल्व देख रहे होगे, ऑन ऑफ का वॉल्व है, इससे ये वाला जो हमारा हो गया इससे हम ऑयल को फिल करते हैं। ये हमारा फिल्टर यूनिट हो गया और वो गेज बताता है कि ऑयल में कितना कॉन्टेमिनेशन है। ये जो लीवर आप देख पा रहे होगे, इसको आगे पीछे करने से हमारा जो सिलेंडर में जो पिस्टन है वो अप डाउन होगा। इधर करने पे हमारा पिस्टन इन होगा और उस साइड करने पे पिस्टन आउट होगा। ओके, तो ये ब्रीफ हो गया। यदि इसका हाइड्रोलिक स्कीम आपको समझना है तो आप कमेंट करना, मैं इसका हाइड्रोलिक स्कीम के साथ आपको इसकी पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। एक आप होस, दो होस देख रहे होंगे, एक होस से हमारा ऑयल सिलेंडर पिस्टन के एक साइड में जाता है और दूसरे होस से पिस्टन के दूसरे साइड में जाता है। ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर हो गया जो कि पिन के हेल्प से पेडस्टल से रॉकर आर्म में कनेक्ट होता है, और इसी के मदद से हम रोलर और टायर असेंबली को स्विंग आउट करते हैं। इधर से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये पिन आपने देखा, और ये दो होसेस हमारे सिलेंडर के इस साइड में कनेक्टेड होते हैं, और ये दो आप साइड में देख रहे होंगे, ये थ्रोटल वाल्व होता है जिसे हम पिस्टन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं कि पिस्टन कितने स्पीड से अप डाउन होगा। ये दोनों थ्रोटल वाल्व से हम इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। अब ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ, और ये रॉकर आर्म से ये कनेक्टेड होता है पिन के हेल्प से, और इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया हमें कुछ नहीं करना, बस लीवर को स्विंग इन स्विंग आउट पोजीशन में रखना है, उसी से हमारा धीरे धीरे करके रोलर हमारा स्विंग आउट होगा और स्विंग इन होगा। चलो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।